अकोला 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। अकोला सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान पर बन आई। सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को तकलीफ हो रही है। यहां तक कि जनता ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन न मिलने पर मौतें हो रही है। इसी कारण जनता की आवाज माने जाने वाला जन सत्याग्रह संगठन JSS ने अकोला कलेक्टर ऑफिस पर दस्तक दी और जिला अधीक्षक से चर्चा कर निवेदन सौंपा, जिसमें जिला प्रशासन को JSS ने चेतावनी दी है कि अकोला की जनता के साथ वो मौत का खेल किसी को नहीं खेलने देंगी और मांग की है कि सरकारी अस्पताल में जल्द से जल्द ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का इंतजाम करे, वरना अंजाम बुरा होगा। JSS के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अहमद खान ने इस मामले को गंभीरता से लेने की मांग की है और नज़रअंदाज किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। निवेदन देते समय एजाज अहमद कुरैशी, इरफान खान, नोमान खान, रेखा चौहान, शाइना अंजुम, शेख शोएब, तनवीर अहमद खान, मोहसिन खान, सैयद शकील, नईम खान आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। जन सत्याग्रह संगठन की ओर से जिलाधिकारी साहब को एक निवेदन दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि हॉस्पिटल में आए दिन बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही है, जिसमें गांव में और हमारे शहर में एक डर का माहौल पैदा हो रहा है। जब हमने इसकी तह तक के गए तो हमें पता चला है कि ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी अस्पतालों में हो रही है और सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने का मतलब यह है कि लोगों को खुली मौत की दावत देना है। इसीलिए हमने कलेक्टर साहब से मांग की है कि वो जल्द से जल्द अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन का इंतज़ाम कराए और वहाँ पर वेंटिलेटरों का इंतज़ाम कराए, ताकि आने वाले जो पेशेंट हैं वो वहाँ से अच्छे होकर जाए और उन्हें ऑक्सीजन मिले और उसके बाद में मरने वालों की तादाद जो है वो कम हो। अगर मरने वालों की तादाद कम होगी तो हमारे अकोला का जो नाम है जो काफ़ी हद तक के ख़राब हो चुका है कोरोना के चलते में, तो उस नाम को अच्छा करने के लिए प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि वो अपने अंदर की जो लापरवाहियाँ हैं, जो सुस्ती है, उस सुस्ती को दूर करे और अस्पतालों में जो भी कमी पेशी आ रही है उन कमी पेशियों को दूर करके जनता के साथ में इंसाफ का मामला करें। अगर जनता के साथ में इंसाफ का मामला नहीं होगा तो हम हमारे शहरवासियों को मरता हुआ देखना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में हमें संवैधानिक तरीके से जो भी करना हो वो हम ज़रूर करेंगे। इसलिए हमारी आपसे विनंती है कि वो जल्द से जल्द ऑक्सीजन का इंतज़ाम करें अस्पतालों में। इसी तरह वेलफेयर पार्टी की ओर से भी जिलाधिकारी को एक निवेदन दिया गया। निवेदन इस विषय में दिया गया कि कोरोना महामारी के कारण 3 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण न सिर्फ गरीब बल्कि हर तबके का इंसान परेशान हाल है, जिसे देखते हुए सरकार ने 3 महीने का इलेक्ट्रिक का बिल, घर पट्टी, नल पट्टी सभी को माफ़ कर गरीब नागरिकों को राहत देने का काम करना चाहिए। निवेदन देते समय महमूद उस्मान, शहजाद अनवर, अजहर अली, जहीर मुल्ला सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। 22 मार्च 2020 से पूरे भारत के अंदर जो कोरोना का मतलब लॉकडाउन था, उसके अंदर जितने भी गरीब मजदूर थे सब, मतलब जिनका रोज़गार नहीं था उन्हें, मतलब आज ये मतलब 3 महीने हो रहे हैं, 3 महीने तक के मतलब उनका कुछ पुरसाने हाल नहीं है। इसीलिए हमने वेलफेयर पार्टी की तरफ से माननीय उद्धव जी ठाकरे से डिमांड किए हैं कि इनका सबका बिल, बिजली बिल, 6 महीने का बिजली बिल माफ़ होने को होना और घर पट्टी और पानी पट्टी ये सब माफ़ होने को होना 6 महीने का। ये हमारी उद्धव जी ठाकरे से हमारी डिमांड। अकोला 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि आपको मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।